दोस्तों आजकल इंसान बहुत ज्यादा मनमानी जिंदगी व्यतीत करने लगा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कि काफी गंभीर होती है, खास तौर पर हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उन गलत आदतों को चुन लेते हैं और उसे छोड़ते नहीं है, जो कि शरीर को अंदर से पूरा बर्बाद कर देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही आदत के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है, लेकिन वो चाहकर भी इस आदत को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें इसके गंभीर दुष्परिणामों के बारे में पता नहीं होता है, इनके नुकसानों के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में वो जो खराब आदत है वो है ज़्यादा मीठा खाना। जी हाँ, मीठा खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे बात ठंडी खीर की हो या गर्मा गर्म जलेबी की। इनमें अगर मीठे की मात्रा कम हो जाए तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें चाय से लेकर हर मीठी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीनी चाहिए होती है, लेकिन आपको बता दें कि इतनी अधिक मात्रा में चीनी खाना आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। आमतौर पर लोगों को मीठा खाने के नुकसानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इस चक्कर में वो लापरवाह होकर मीठा खाते रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जी हाँ, अगर आप लगातार बीमार पड़ रहे हों तो इसका एक कारण आपकी डाइट में मीठे की मात्रा बहुत ज़्यादा होना है। ज़्यादा मीठा आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाता है और आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को घटा देता है, यानी कि जो बीमारियों से लड़ने की शरीर में ताकत होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और कोई भी छोटा मोटा रोग, फिर वो चाहे सर्दी जुकाम हो या मामूली सा कोई फ्लू हो, वो भी बहुत दिनों तक आपके शरीर में रहता है और जल्दी से हट नहीं पाता। इसके अलावा दोस्तों यह ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी करता है। जी हाँ, ज़्यादा मात्रा में शुगर लेने से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इस स्थिति में दिमाग तक सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे मेमोरी लॉस होने की समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है, याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो सकती है, कुछ भी याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ज़्यादा मीठा खाने से आदमी समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। जी हाँ, टाइम से पहले ओल्ड दिखना भी ज़्यादा शुगर लेने का एक बड़ा साइड इफेक्ट माना जाता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं तो यह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बनाती है, जिससे त्वचा पर दाने निकलना, बूढ़ा हो जाना और झुर्रियां पड़ जाना जैसी समस्याएं देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप समय से पहले बूढ़ा होना चाहते हैं तो ज़रूर आप मीठा ज़्यादा खाएँ। इसके अलावा दोस्तों हार्ट अटैक का खतरा इससे आपको हो सकता है। जी हाँ, ज़्यादा शुगर का सेवन हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए काफ़ी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, जो कि दिल के लिए घातक होता है। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है आप लोगों के लिए, जो आपको ध्यान रखना है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। हार्ट अटैक कितनी गंभीर बीमारी आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा मात्रा में मीठा ना खाएं। मीठा खाने से सैकड़ों बीमारियां होती हैं, हम तो केवल कुछ बीमारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। बात करते हैं दूसरी बीमारियों की, जैसे कि स्किन से संबंधित भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। ज़्यादा चीनी के कारण शरीर में सूजन भी बढ़ने लगती है, आपको त्वचा से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, इसके कारण एक्जिमा, ऑयलीनेस, मुहासे, शुष्कता जैसी दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ सकती हैं, त्वचा पर धब्बे भी होने लगते हैं। चीनी की मात्रा कम होने से इन सभी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, अगर आप अपनी दैनिक जीवन में चीनी की मात्रा को कम कर दें तो। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा मीठा खाने से यह आपकी डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है। जी हाँ, ज़्यादा चीनी का सेवन करने वाले लोगों में ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डायबिटीज़ की समस्या ख़ास तौर पर ज़्यादा मीठा खाने की वजह से ही होती है, तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज़ की बीमारी आपको घेरने के लिए तैयार बैठी हुई है, उसे बचना है तो जल्द से जल्द मीठा खाना, ज़्यादा मीठा खाना छोड़ दें।
दोस्तों ज्यादा मीठा खाने से दिन भर शरीर भारी भारी सा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक खास प्रॉब्लम होती है। दोस्तों शरीर को किसी भी प्रकार के काम करने के लिए चुस्ती फुर्ती की आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में मीठा खाने से एक तो आपका दिन भर जी घबराने जैसा आपका मन होता रहेगा, इसके अलावा ये शरीर में चुस्ती फुर्ती के मात्रा को भी कम करेगा या आपके शरीर में अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाएगा जितना कि आपको देना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों यही थे केवल कुछ साइड इफेक्ट ज़्यादा मीठा खाने के। इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन जो मेन साइड इफेक्ट हैं वही हमने आपको आज की इस वीडियो में बताया। अंत में दोस्तों बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है और अच्छी हेल्थ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। आप अपने कोई सा भी काम आप चाहे करते हो उसमें पूरा फोकस लगाकर आप काम कर पाएंगे, आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप कई सारी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। तो ये जो एक गंदी आदत है इस आदत को आप आज ही छोड़ दें, नहीं तो और भी कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इस खराब आदत से हो सकती हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचा दें जो कि मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत से ग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी इस आदत को सारे परिणामों को जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एक बार उनको भी इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दें। तो दोस्तों जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।